बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या हम अपने बच्चे को रेगुलरली डायपर पहना सकते हैं या नहीं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन दिस वीडियो। हम आपको बताएंगे कि क्या हम अपने बच्चों को रेगुलरली डायपर्स पहना सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल हेवनली बॉर्न। वी आर हियर अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन बेबी केयर। आजकल सभी माँ बाप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए पूरी प्रोटेक्शन रखें और हम चाहते हैं कि हम उनको सही चीजें दें जो कि उनके हेल्थ के लिए और उनके स्किन के लिए फ्रेंडली रहे, जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो इसीलिए जब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं भी आता है, उसके पहले ही उस बेबी के मम्मी और पापा वरिड होते हैं कि क्या हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही डायपर पहनाना स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो गाइस, इसका आंसर है कि जब हमारा बच्चा बेरली एक दिन का होता है, हम तब से बच्चे को डायपर पहनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको लेने हैं। सो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है टू मेक अ चॉइस ऑन कौन सा डायपर हमें अपने बच्चे को पहनाना है। आजकल मार्केट में इतने सारे तरह के डायपर्स हैं कि हम सब माँ बाप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा डायपर सूटेबल होगा हमारे बेबी के लिए। हमने भी अपने बेबी के आने से पहले बहुत रिसर्च करी थी, ऑल्दो हमको सबने मना किया था कि डायपर्स नहीं पहनाने स्टार्टिंग के दिनों में, बट ये हमारा अपना चॉइस था, आपका अपना चॉइस है कि आप डायपर पहनाना चाहते हैं कि नहीं। और हमारा चॉइस था, हमने स्टार्टिंग से ही अपने बेबी को पूरे टाइम डायपर पे रखा था और हमने बहुत रिसर्च की थी कि कौन सा डायपर पहनाना है कौन सा नहीं। तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है कि गाइस, इन्वेस्ट इन अ गुड ब्रांड ऑफ डायपर, क्योंकि वो आपके बेबी के स्किन के लिए फ्रेंडली होगा, जिससे कि बच्चा इरिटेट नहीं होगा, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो एक्टिव रहेगा। सो आजकल बहुत सी प्रोमिनेंट कंपनीज हैं लाइक पैम्पर्स, हगीज, जो कि बहुत ही अच्छे सॉफ्ट डायपर्स बना रहे हैं, बच्चों के स्किन के फ्रेंडली, स्किन के लिए फ्रेंडली होते हैं। तो आप उनमें इन्वेस्ट करिए, देखिए, ट्राई करिए। और एवरी बेबी स्किन इज डिफरेंट, सबको अलग अलग चीजें सूट करती हैं। हो सकता है मेरे बेबी को पैम्पर्स बहुत सूट किया हो, बट आपके बेबी को हगी सूट करे और पैम्पर्स ना सूट करे। तो ये चॉइस आपको लेनी होगी, आप ट्राई करिए, देखिए एंड मेक अ चॉइस एंड इन्वेस्ट इन गुड डायपर्स। सो गाइस, जब आपने एक चॉइस कर ली कि आपके बेबी को आपको डायपर्स पहनाने हैं एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन अ गुड ब्रांड ऑफ डायपर्स, अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पहला प्रिकॉशन होता है रात के टाइम का, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में बच्चे दिन भर में 20 to 22 टाइम्स पी करते हैं, तो उनको डायपर चेंज करने की जरूरत जल्दी जल्दी पड़ सकती है और रात के टाइम ये कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। तो ऑलमोस्ट अबाउट 3 to 4 टाइम्स आपको रात में बेबी के डायपर चेंज करने पड़ते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कब वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। 2-4 दिन में आप इसको फिगर आउट कर लेंगे कि आपके बेबी को ये जरूरत कब कब कैसे कैसे पड़ती है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाइट चेंज का। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको डायपर्स किस टाइप के चूज करने हैं। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है, बहुत सारे सर्वेज हुए, हमने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद ही हमने अपने बेबी के लिए डायपर्स सिलेक्ट किए थे। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमें हमेशा ही जेल बेस्ड डायपर्स यूज करने चाहिए अपने बेबी के लिए, क्योंकि जो जेल बेस्ड डायपर्स होते हैं वो नॉर्मल डायपर्स के कंपैरिजन में उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो सॉइल नहीं करते हैं चीजों को, बैक्टीरिया को फैलने नहीं देते हैं, एब्जॉर्ब अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। सो हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप जेल बेस्ड डायपर्स यूज करें। साथ में गाइस, आप एक बहुत अच्छे रैश क्रीम में इन्वेस्ट करिए। रैश क्रीम हमेशा रिकमेंडेड होती है। आप ये मत सोचिए कि जब बेबी को रैश हो गया हो तब आप बेबी को रैश क्रीम लगाइए,
आप हमेशा डायपर पहनाने से पहले बेबी को रैश क्रीम लगाइए, एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार तो लगाइए ही लगाइए, जिससे कि रैश होने की संभावना ना के बराबर हो जाए। और रैश क्रीम के साथ साथ आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 4 बार रैश क्रीम यूज कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप 2 बार कोकोनट ऑयल यूज कर लीजिए और 2 बार रैश क्रीम लगाइए। देन गाइज, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको वाइप्स यूज करनी है प्रॉपर, इन्वेस्ट इन गुड ब्रांड्स ऑफ वाइप। अगेन ये मैं क्यों कह रही हूं कि आप गुड ब्रांड्स ऑफ वाइप में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी की वाइप्स होती हैं वो पैराबीन फ्री होती हैं और उसमें अच्छा एलोवेरा कंटेंट होता है, जो कि बेबी के स्किन को बहुत ही स्मूथ रखता है और उनके लिए इफेक्टिव रहता है, उनकी स्किन खराब नहीं करता है, रैशेस से भी प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया हटाता है, एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसलिए सजेस्टेड है कि आप हर चेंज के बाद बेबी के वाइप से एरिया को अच्छे से साफ करिए और कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ दीजिए और उसके बाद ही वो डायपर पहनाइए। सो गाइज, ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कि बच्चे को डायपर्स कैसे पहनाना है, कब कब चेंज करना है और चीजों के बारे में। तो गाइज, अच्छे क्वालिटी ऑफ डायपर में इन्वेस्ट किया आपने, अच्छे रैश क्रीम यूज करिए, अच्छे वाइप्स यूज करिए, उसके बाद एवरी चेंज गाइज प्लीज मेरा रिकमेंडेशन मानिए, बच्चे को अच्छे से वाइप से उस एरिया को क्लीन करिए। और अगर आप वाइप्स नहीं यूज करना चाहते हैं या नहीं यूज कर रहे हैं तो आप हल्का ल्यूक वार्म वाटर लीजिए एक मग में, उसमें थोड़ा एंटीसेप्टिक लिक्विड डालिए कॉटन से, उसको अच्छे से साफ करिए, टॉवल लेके पैड ड्राई करिए और उसको बेबी को विदाउट डायपर आप 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी सी बाहर की एयर आने दीजिए, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। 24 आवर्स के एक डायपर निकाला दूसरा डायपर पहनाया फिर निकाला फिर पहनाया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। हमेशा जब एक डायपर चेंज करिए, बच्चों को थोड़ा टाइम विदाउट डायपर भी देना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद डायपर पहनाने से पहले ईदर कोकोनट ऑयल लगा दीजिए या रैश क्रीम लगा दीजिए, ये बहुत जरूरी होता है। आप रैशेस होने का वेट बिल्कुल मत करिए, रैश क्रीम लगाते रहेंगे, अच्छे से डायपर चेंज करते रहेंगे। और ध्यान दीजिए कि एवरी 2-3 आवर्स 4 आवर्स जैसे भी आपके बच्चे को चेंज की जरूरत पड़ती है प्लीज चेंज करते रहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि बच्चे ने कितनी फ्रीक्वेंसी में पी करा है। तो हमेशा ये चेक पे रखिए। हमने अपने बेबी को पैम्पर्स की प्रीमियम पैंट्स पहनाई थी जिसमें एक येलो कलर की लाइन होती है, तो जैसे जैसे बच्चे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जैसे वो ज्यादा यूरिन कर देता है तो वो ब्लू होती जाती थी, तो हमें पता चल जाता था कि इट्स टाइम टू चेंज। और अगर आपके डायपर्स में ये सब नहीं है तो आपको एक चेक रखना पड़ेगा कि कब बेबी को डायपर चेंज करने की जरूरत पड़ गई। तो गाइस, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। गाइस, मैं बच्चे की हाइजीन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, उसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम बात कर रहे हैं आपके खुद के हाइजीन के बारे में। गाइस, जब आप बच्चों के डायपर्स चेंज करते हैं, उनको वाइप से साफ करते हैं और उस डायपर को डिस्पोज कर देते हैं, उसके बाद आपको अपने हाथों को प्रॉपरली क्लीन करना है लिक्विड से या सैनिटाइजर से, जिस भी चीज से प्रॉपर अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। ओनली देन आप बच्चों को रैश क्रीम, कोकोनट ऑयल, जो भी आपको लगाना है वो लगा करके और उनको डायपर्स पहना दीजिए। तो आपको अपने हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर क्या करना है आपको कि आपको एक राइट साइज ऑफ डायपर में इन्वेस्ट करना है, आपको फिगर आउट करना है कि आपके बेबी का साइज क्या है ताकि आपके बेबी को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। क्राइटेरिया, सो गाइज हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 7 से 12 किलो कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उन्हें मीडियम साइज ऑफ डायपर्स पहनाएं। तो आप बच्चों के 12 किलो तक होने का वेट मत करिए
कि अब जब वो बच्चे 12 किलो के होंगे या 13 किलो के होंगे तब हम लार्ज साइज ऑफ डायपर में इन्वेस्ट करेंगे। इंस्टेड जब आपके बच्चे 10 किलो के हो जाएं, 10.5 किलो के हो जाएं, तो आप लार्ज साइज का डायपर ले लीजिए, क्योंकि उससे बच्चों को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा और जो डायपर्स बड़े होंगे एब्जॉर्ब भी अच्छे से करेंगे। तो ये रेकमेंडेड है कि आप सही टाइम पे सही साइज ऑफ डायपर यूज करिए। गाइज, लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपके बेबी को रैशेज हो जाते हैं या आपको फील होता है कि उनको कहीं स्पॉट्स दिख रहे हो या हल्का रेडनेस या पिंकिश दिख रहा हो, तो ये एक साइन है कि बच्चों को रैशेज होने वाले हैं, कहीं से कुछ इन्फेक्शंस फैल रहे हैं। तो इट इज रेकमेंडेड कि आप बच्चों के डायपर्स को तुरंत निकाल दें और उनको रैश क्रीम प्रॉपरली लगा करके और खुला छोड़ दीजिए, जितनी देर के लिए आप उनको खुला छोड़ सकते हैं मैक्सिमम टाइम के लिए खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा बाहर की एयर मिले। जब बाहर की एयर मिलती है गाइस, तो उससे रैशेस जल्दी ठीक होते हैं। रैश क्रीम और बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो नेचुरल एयर होती है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों के रैशेस को ठीक करने का। और फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज आपको बढ़ाना पड़ेगा रात के टाइम पे, दिन में ज्यादा से ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बच्चों को बिना डायपर्स के रखें। और रात के टाइम पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन चेंज करते रहिए जिससे कि बच्चों को इरिटेशन ना हो। प्रॉपर रैश क्रीम वगैरह लगा करके उनको रखिए, जल्दी उनके रैशेस ठीक हो जाएंगे। और एक जनरल चीज ये कि आप 24 घंटा बच्चों को डायपर्स में मत रखिए, दिन में एटलीस्ट 2 घंटा उनको फ्री टाइम दीजिए ताकि उनको बाहर की एयर मिल सके, नेचुरल एयर, और वो भी प्रॉपर ब्रीथ कर सके वो एरिया भी बच्चों का, हर टाइम वो बंधे बंधे से ना रहे। सो गाइज, दिस वॉज इट, ये मुझे बताना था अपनी तरफ से, कुछ डॉक्टर की रिकमेंडेशंस और मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस। आप बच्चों को बिल्कुल डायपर्स पहनाइए और हैप्पीली उनको एंजॉय करने दीजिए उनका बचपन, और बिल्कुल भी मत घबराइए कि डायपर्स नहीं पहनाने चाहिए, डायपर्स बिल्कुल भी सेफ है। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।